संसद शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा व राज्यसभा में, विपक्ष 12 सदनों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहा है। हालांकि सभापति का मानना है कि माफी मांगने पर ही निलंबन रद्द करने के बारे में विचार किया जा सकता है। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने लखीमपुर में बेरहमी से की गई किसानों की हत्या पर चर्चा की मांग की है, जिससे सरकार को दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा सके और गृह राज्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की जाए।